वड़ा पाव। कहा जाता है मुंबई में रोजाना 2 लाख लोग वड़ा पाव खाते हैं। ऐसे में इसे द स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई कहना कोई क्राइम नहीं होगा। अगर लोकल ट्रेन मुंबई की जान है तो वड़ा पाव मुंबईकर्स की शान है। आइए जानते हैं रास्ते पे चलने वाले गरीब से अमीर, हर इंसान का भूख मिटाने वाले वड़ा पाव की कहानी कर्ली टेल्स के इस शो फूड रूट पर। वड़ा पाव बोले तो झकास, बाकी सब बकवास। वड़ा पाव इज मुंबई's मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर स्नैक। जब कढ़ाई से फ्रेशली तले हुए गर्मा गर्म बटाटा वड़ा को पाव के बीच डालकर तीखी मीठी चटनी के साथ लगाकर सर्व किया जाता है, इस डिलिशियस बला को वड़ा पाव कहते हैं। 10 रुपए में और कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाला वड़ा पाव आज 1.8 करोड़ मुंबईकर्स का कंफर्ट फूड है। आई एम श्योर मुंबई के हर एरिया का अपना एक बेस्ट वड़ा पाव वाला होगा, जिसे आप सबने भी एंजॉय किया होगा। डेली वेज अर्नर से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल, स्कूल हो या कॉलेज स्टूडेंट, हर किसी के जुबान पे सिर्फ वड़ा पाव का ही नाम छाया है। यकीन नहीं होता? So let's hear it out from Mumbaikers about their love for वड़ा पाव। The taste is very good, which is a main point, and the price for students, we get it 5 rupees off because of the school uniform। हम इधर शॉपिंग करने आते हैं ना इधर, तो साइड में चक्कर लगाते हैं। मेरे हस्बैंड को वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। यहाँ जो वड़ा पाव जो बनता है उसमें जो कुछ मटेरियल लगता है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स अप हुआ रहता है, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग ही है, और बारिश में खाने का मजा तो बहुत ही अलग है। इफ यू टू मच हंग्री, इफ यू आर वेरी हंग्री, देन यू कैन ईट वड़ा पाव एंड इट विल लुक मोर टेस्टी। आई लाइक यूजुअली देयर सुगा चटनी, डबल सुगा चटनी इज व्हाट एवरीवन टेक्स। गरम गरम वड़ा पाव सर, वड़ा पाव। ईयर 1960 में मुंबई में रहने वाले साउथ इंडियंस ने जगह जगह उडुपी रेस्टोरेंट्स खोल लिए थे। ऐसे में इडली वड़ा पॉपुलर और स्लाइटली एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन गया मुंबईकर्स के लिए। इसी वक्त बाला साहेब ठाकरे, द फाउंडर ऑफ शिवसेना, ने अपने फेलो महाराष्ट्रियन से अपील की कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। These are people, they are not short on money, they are short on time. And when you are short on time, vada pav becomes the most convenient snack food. 1966 में अशोक वैद्या नाम के इंसान ने दादर स्टेशन के बाहर अपना स्टॉल डाला, जहां वो वड़ा और पोहा बेचते थे। इस स्टॉल पे परेल और वर्ली एरियाज के कई सारे मिल वर्कर्स आया करते थे। एक दिन अशोक जी ने पाव में चटनी लगाकर और वड़ा डालकर बेचने का एक्सपेरिमेंट किया, और पाव के अंदर वड़ा यानी वड़ा पाव वाला कॉन्सेप्ट सुपर हिट हो गया, और मुंबईकर्स के साथ साथ अशोक जी के हाथ का बना हुआ वड़ा पाव बाला साहेब ठाकरे जी का भी फेवरेट हो गया। आज भी दादर स्टेशन के बाहर अगर आप चले जाएं तो आपको कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव के नाम से ये स्टॉल वहीं मिलेगा। वैसे वड़ा पाव का पाव एक पोर्चुगीज ब्रेड है जो उनके टेक्निक से बनाया जाता है। पाव इज अ डेरिवेटिव वर्ड फॉर पोर्चुगीज वर्ड पाव व्हिच मींस ब्रेड। What makes this vada pav so special is that Mr. Ashok Thakur and the people working here really believe in the strong history of special chutneys, of tikki and dry chutneys, which is extremely delicious, and for a fact that they have a lot of these crunchy churas as well, which is added, which makes it even more delicious. And also one of the points that they do not add any soda in vada, which makes it absolutely authentic. 1970s और 1980s में होने वाले स्ट्राइक के वजह से टेक्सटाइल कंपनीज बंद होने लगी और कई सारे मिल वर्कर्स ने वड़ा पाव का स्टॉल डाला, और इसी तरह वड़ा पाव रास्ते पे चलने वाले हर इंसान का कंफर्ट फूड बन गया। मुंबई एक बहुत अच्छी चीज है, अगर इंसान मेहनत करने वाला रहे तो मुंबई से कभी खाली नहीं जा सकते, बहुत आगे निकल सकते हैं। वड़ा पाव की बढ़ते डिमांड को देखते हुए साल 1993 में मैकडॉनल्ड्स ने पहला स्टोर साउथ मुंबई में खोला। मैकडॉनल्ड्स में मिलने वाले मैक आलू टिक्की ने वड़ा पाव की जगह लेने की बहुत कोशिश की, पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैक आलू टिक्की की भी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है, पर वड़ा पाव की जगह कोई नहीं ले सकता। साल 2001 में धीरज गुप्ता ने अपने बिजनेस जंबो किंग के जरिए वड़ा पाव को मॉडर्न टच दिया,
जहां वो अलग अलग टाइप के वड़ा पाव जैसे बटर ग्रिल शेजवान चीज वड़ा पाव को हाइजीनिक कंडीशन और बेहतर पैकेजिंग के साथ सेल कर रहे थे। We are the largest vada pav chain in Mumbai city. Jumbo King is known as the company which branded the vada pav. The Shezwan Jumbo King, Nachos Jumbo King, Paneer Jumbo King, there's a double decker Jumbo King. It's different from the street car because we are way more hygienic and it's the innovation that people really love. No doubt ये वड़ा पाव विद ट्विस्ट लोगों को अच्छा लग रहा है और जंबो किंग के बाद कई लोगों ने आमची मुंबई के वड़ा पाव को ट्विस्ट देने का क्राइम कमिट किया, पर आज भी एक छोटे से स्टॉल पे ऑथेंटिक वड़ा पाव का स्वाद मुंबईकर्स को खींच ही लाता है। और अगर आपको मुंबई के बेस्ट वड़ा पाव ट्राई करने हो तो इन जगहों पे जरूर जाना। और नंबर 1 वी हैव कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव सेंटर इन दादर। और नंबर 2 वी हैव MM मिठाई वाला इन मलाड। और नंबर 3 वी हैव पिपासा एंड मंगेश वड़ा पाव इन बोरिवली। एंड और नंबर 4 वी हैव आनंद एंड धीरज वड़ा पाव इन विले पार्ले। विजन तो यही है, जो अपना महाराष्ट्र का वड़ा पाव है महाराष्ट्र के बाहर भी जाए, और ये ट्रैफिक वड़ा पाव जो हर सिग्नल पे लोग जो ट्रक होते हैं जो फंसते ट्रैफिक में, सबको ये सुविधा मिले। अब तो बस इंतज़ार है मुंबई की सड़कों पर आकर गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का। आई होप ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे और आपको हम सबको मौका मिले मुंबई की स्ट्रीट पे गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने का। दिस इज कृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू कर्ली टेल्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।